आजकल एक बाबा बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहे हैं। हर कोई इंटरनेट पर इन्हीं की बातें कर रहा है या फिर इंटरनेट पर इनके वीडियो शेयर कर रहा है। ऐसा क्या खास है इन बाबा में, आज हम इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर धाम, ये नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये कोई ऐसी जगह है जहां पर लोग बड़ी संख्या में पूजा करने आते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि ये किसी जगह का नाम नहीं बल्कि ये बाबा का ही नाम है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले बाबा बागेश्वर धाम के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। कोई उन्हें ढोंगी बाबा कह रहा है तो कोई उन्हें चमत्कारी बाबा मानता है, लेकिन एक बात तो तय है कि डे बाय डे बाबा बागेश्वर धाम की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। तो आज हम इसी वीडियो में बाबा बागेश्वर धाम से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। अगर बाबा बागेश्वर धाम की बात की जाए तो इनके काम चमत्कारों से भरे पड़े हैं। जैसे किसी की मन की बात पढ़ना हो या फिर उसकी भविष्य की गणना करना हो, अपने पंडाल में सारे चमत्कार बाबा आए दिन करते ही रहते हैं। साथ ही इनकी फैन फॉलोइंग का तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत सारी लड़कियां इनकी फैन हैं और कुछ के तो ये क्रश भी हैं, क्योंकि बाबा हैं ही इतने हैंडसम। यही वजह है कि बाबा को जो भी देखता है, भक्त बने या ना बने, फैन तो जरूर बन ही जाता है। अब इस लड़की को ही ले लो, इस लड़की का अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं रखा और गुरु जी को ही बाबू कहकर बुलाने लगी, क्योंकि कम रामायण पढ़ी ना। अरे प्रभु, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं। गुरु जी नमस्कार। आपने बाबू कहा? नहीं नहीं, मैंने आपको ये नहीं कहा, मैंने आपको प्रभु कहा। चलो ठीक है। ये सुनकर बाबा जी थोड़े नाराज हो गए और यही नहीं, बहुत सारी लड़कियां इनसे बहुत सारे सवाल पूछती हैं और बाबा जी उसका अलग अलग तरीके से हंसी मजाक करते हुए जवाब देते हैं। किसी बॉलीवुड हीरो जैसे दिखने वाले इन बाबा के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बातें क्लियर कर देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म ओपन रिलीजन है जिस पर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। यहाँ कोई भी अपनी मर्जी से बाबा बन सकता है, जिसके लिए कोई सर्टिफिकेट भी नहीं लगता, और ये अच्छी चीज भी है, लेकिन कई लोग इसका फायदा उठाकर लोगों को गुमराह भी करते हैं। अब ये बाबा रियल हैं या नहीं ये हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम आपको इनकी असल जिंदगी की कहानी जरूर बता सकते हैं, जिसको सुनकर आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये बात सच है या झूठ है। बाबा जी का असली नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है और ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। और जिस बागेश्वर धाम सरकार की बात करते हैं, वह मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गंज कस्बे में बालाजी का पुराना मंदिर है, जिसमें इन बाबा जी की फैमिली 3 पीढ़ियों से पूजा अर्चना कर रही है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र जी के दादाजी भगवान दास गर्ग, जिन्हें लोग बाबा श्री सेतुलाल के नाम से भी जानते थे, बड़े ही तेजस्वी संत हुआ करते थे, जो निर्मोही अखाड़े से भी जुड़े हुए थे, और वे इसी बालाजी धाम पर एक दिव्य दरबार चलाया करते थे, जिसमें लोग अपनी समस्या लाया करते थे और बाबा जी उनका निवारण करते थे। धीरेन्द्र जी अपने दादाजी को ही अपना गुरु मानते थे। वह 9 साल की उम्र से ही अपने दादाजी के साथ मंदिर की सेवा में लग गए थे। उस टाइम इंटरनेट तो हुआ नहीं करता था, इसलिए इनके दादाजी गुमनामी में कहीं खो गए, लेकिन जब धीरेन्द्र जी ने इस दरबार को संभाला तो उनके भक्त उनका वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने लगे और देखते ही देखते बाबा जी की पॉपुलैरिटी विदेशों तक पहुंच गई। हाल ही में बाबा जी ब्रिटेन गए थे और उन्होंने ब्रिटिश सांसदों और वहां पर भारतीय समुदाय के बीच प्रवचन भी दिया, जिसको सुनकर सभी बाबा जी के भक्त हो गए। बाबा जी का जन्म मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 जुलाई 1996 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ और बाबा जी अभी सिर्फ 26 साल के ही हैं। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई अपने गांव में ही पूरी की है। उसके बाद कॉलेज से बीए की पढ़ाई प्राइवेट ही करने लगे और कॉलेज खत्म होने के बाद वे अपने दादाजी का दिव्य दरबार संभालने लगे। इनके एक भाई और बहन भी हैं, वे वहीं छतरपुर में अपने माता पिता के साथ रहते हैं। इसके अलावा इनका एक चचेरा भाई भी है, जिसका नाम दिनेश शास्त्री है, जिसने बाबा जी के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। उनका आरोप है कि धीरेन्द्र शास्त्री मुझे जान से मार देने की धमकी दे रहा है, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री जी का कहना है कि उनके चचेरे भाई उनका और उनके दादाजी के नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बागेश्वर धाम में मंगलवार को भक्तों की अर्जी लगती है। अर्जी लगने के बाद लोग यहाँ पर एक नारियल को लाल कपड़े में बांधकर उसे किसी स्थान पर बांध देते हैं और अपनी मनोकामना मांग लेते हैं और मंदिर की राम नाम जपते हुए 21 परिक्रमा करते हैं। यहाँ पर आपको लाखों की संख्या में नारियल बंधे हुए दिख जाएंगे। मंदिर के पास ही बाबा जी का दरबार लगता है, वहाँ हजारों लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और हजारों की भीड़ में बाबा जी किसी का भी नाम लेते हैं और वह व्यक्ति जब तक उनके पास पहुँचता है, बाबा जी उसकी पूरी समस्या और उसकी पूरी कुंडली निकाल चुके होते हैं।
ये सब कुछ देखकर सभी भक्त अचरज में पड़ जाते हैं। साथ ही बाबा गरीब लड़कियों के विवाह के लिए सामूहिक पंडाल भी लगाते हैं और बूढ़े और बेघर लोगों के लिए इन्होंने वृद्धाश्रम भी खोल रखे हैं। अब ये सारी बातें सुनकर लगता तो यही है कि ये एक बहुत ही तेजस्वी और दयालु बाबा हैं जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। बाकी आपका इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।